सो हे गायस वेलकम बैक टू माई चैनल लर्नर्स एजुकेशन कैसे आप लोग होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ठीक है आज मैं आपको न्यू टॉपिक कराऊंगी जो जिस टॉपिक का नाम है ब्रूनर्स कग्नेटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ठीक है ये थ्योरी ब्रूनर ने दी थी इन्होंने काग्नेटिव साइकिल ये एक काग्नेटिव साइकोलॉजिस्ट थे ठीक है आज ये थ्योरी मैं आपको कराऊंगी ब्रूनर्स काग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी सबसे पहले मैं आपको ब्रूनर के बारे में बता देती हूँ ब्रूनर का फुल नेम था जैरम ब्रूनर ठीक है uh, उनका जो बॉर्न हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क में इन 1915 ब्रूनर स्टार्टेड आर ड्यूक यूनिवर्सिटी एंड गॉट इज पी एच इन साइकोलॉजी फ्रॉम हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी इन नाइनटीन इट ऑल्सो कॉल डिस्कवरी ऑफ लर्निंग जेरम ब्रूनर इज ए काग्नेटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अब कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब होता है जिसमें बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है मतलब वो खुद कर करके हर चीज को सीखता है ठीक है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द चाइल्ड काग्नेटिव स्ट्रक्चर मैच्योर विद एज एज ए रिजल्ट विच द चाइल्ड कैन थिंक एंड ऑर्गेनाइज मटीरियल इन इंक्रीज कम्पलेक्स वेस Children are also seen thirsty for knowledge and understanding. The child adapts to its environment and abstract thinking develops through action. Bruner believes the child has to learn for its, itself by making sense of its own environment. Bruner believes the world we experience is a product of our mind. देन उसके बाद थ्री स्टेजेस ऑफ ब्रूनर कग्नेटिव थ्योरी हो ब्रूनर के ब्रूनर ने थ्री स्टेजेस दिए थे ठीक है अब थ्री अब उन थ्री स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले होता है इनएक्टिव इसमें जो होता है बच्चा मूवमेंट्स और एक्शन के थ्रू सीखता है ठीक है ये एक्शन बेस्ड होती है लाइक बच्चों को अगर आप कोई टॉय दे, दे देंगे वो उस टॉय को क्या करेगा उस टॉय को फेंकेगा उसको मुंह में डालेगा उसे तोड़ेगा मोड़ेगा ठीक है तो वो उस चीज से सीखेगा ठीक है देन सेकेंड हमारा आता है आइकॉनिक इसमें बच्चा जो होता है इमेजेस से और आइकन से सीखता है इमेजेस से मतलब जैसे स्कूल में मैम जो होती है टीचर्स जो होती है वो बच्चों को पिक्चर चार्ट के थ्रू थ्रू सिखाती है ठीक है फ्लैश कार्ड के थ्रू सिखाती है उसको क्या बोलते हैं टीचिंग एड्स जो बोलते हैं ठीक है टीचर उसके थ्रू बच्चों को सिखाती है देन थर्ड जो हमारा होता है वो होता है सिम्बॉलिक इसमें जो होता है बच्चा जो होता है एबस्ट्रैक्ट सिम्बल्स के थ्रू सीखता है इसमें बच्चा लैंग्वेज सिम्बल्स के थ्रू सीखता है ठीक है अब हम अब इन पूरी स्टेजेस को ठीक है वन बाय वन करके विद एक्सप्लेनेशन के साथ सीखेंगे फर्स्ट जो होता है हमारा इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो कि होता है जीरो टू थ्री इयर्स के बच्चों के लिए ये इसमें मूवमेंट एक्शन होता है इट इज कॉल्ड एज कंक्रीट स्टेज इट इन्वॉल्व इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स एज मसल मेमोरी दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ सेंसरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नॉलेज इज वॉट

अब हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन करेंगे फर्स्ट होता है पर्पस ऑफ एजुकेशन मतलब बच्चा जो भी कुछ करता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है कि वो उस 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 एजुकेशन में उस कोर्स में उस लर्निंग में वो क्या सीखने वाला है उसका क्या पर्पस है वो चीज करने का सेकंड होता है लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस लर्निंग जो होती है वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है डिस्कवरी लर्निंग डिस्कवरिंग लर्निंग होता है जिसमें बच्चा अपने मतलब बच्चा जो होता है खुद डिस्कवर करता है हर चीज को वो अपनी लर्निंग को खुद डिस्कवर करता है लर्निंग देयर ओन डिस्कवर देयर ओन लर्निंग न्यू नॉलेज शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज हाँ जी जरूर बिल्कुल ठीक है ये न्यू नॉलेज जो होती है हमारे प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होती है लाइक like बच्चा जब फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में जाता है तो सेकेंड क्लास में ऐसा कुछ ना कुछ तो आता होगा फर्स्ट क्लास का ठीक है जो उससे बहुत ज्यादा उससे हेल्प मिलती है बच्चे को जो वो फर्स्ट क्लास में सीखता है ठीक है देन होता है रोल ऑफ ए टीचर्स टीचर्स का भी बहुत रोल होता है इसमें वो बहुत हेल्प करती हैं बच्चों की स्पायरल कारिकुलम मतलब बच्चा इजी वे टू हार्ड वे में जाता है मतलब बच्चा सबसे पहले ईजी सीखता है उसके बाद डिफिकल्ट सीखता है देन लास्ट हमारा होता है एक्टिव लर्निंग एक्टिव लर्निंग एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग उसके बाद हम उसके, उसके बाद हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी ठीक है This theory emphasizes reinforcement after learning such as reward punishment next according to bruner's both individual and social qualities develop by education third according to this theory the structure of the subjects is such that learners learn easily fourth this theory emphasizes upon the coordination among the past experience of the children ये हो गए हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है ठीक है ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग